नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पाल मिनिस्ट्री ज्ञान चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि प्रेम संबंध और प्रेम विवाह कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जैसे हम जानते हैं, जीवन में जब हम बड़ी मुसीबत में फंसते हैं, जिसका समाधान, जिसका हल कहीं नहीं मिलता है या नहीं दिखाई देता है, उसका समाधान एक जगह है, एक जगह पे हमें दिखाई देता है, वो है हस्तरेखा, वो है ज्योतिष शास्त्र, वो है कीरो। जैसे कि इस ब्रह्मांड में हमारे जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आता है, तो हमारे ग्रह नक्षत्रों के साथ हमारे जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। कई बार यही ग्रह नक्षत्रों की चाल से एक बॉलीवुड से कैसे स्टार बन जाता है इंसान, और कई बार रोडपति से करोड़पति बन जाता है, और इन्हीं नक्षत्रों की चाल से कई बार करोड़पति रोडपति बन जाता है। आइए अपने हाथों पर देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कब जीवन में ये हमारे परिवर्तन करता है। तो जीवन में इसका बड़ा महत्व है। आप अपना निदान ढूंढ सकते हैं, किसी और का निदान ढूंढ सकते हैं। यह ज्योतिष का एक ऐसा जरिया है, जीवन में आप अपने भूत की, भविष्य की, वर्तमान की चीजों को समझ सकते हैं, जिसका समाधान हमारे इन विषयों पे मिल सकता है। तो सबसे पहले अपने हाथ की रेखाओं में देखें तो ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाली घटनाक्रम के बारे में बताती है। तो इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा का प्रेम संबंध से बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, बहुत बड़ा पॉइंट बनता है यहां पर। अगर ये हृदय रेखा हमारी शनि के मोड़ तक जाता है, ऐसे लोग अपने प्यार को पाने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए प्यार करते हैं, दिल से प्यार नहीं करते हैं, अपने अरमानों को पूरा करते हैं। लेकिन यही हृदय रेखा गुरु के पर्वत पर चली जाए, ऐसे लोग एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लाइफ में आना चाहते हैं, और ऐसे लोग सच्चे प्रेमी कह सकते हैं, सच्चे विश्वास वाले, विश्वास पात्र प्रेमी होते हैं। लेकिन यहीं पर अगर ये क्रॉस बन जाए, प्यार की सफलताओं को और मजबूत कर देता है और गहरा कर देता है। लेकिन ये जो क्रॉस है, यहां पर शुभ माना जाता है हस्तरेखा में, और इसका बड़ा महत्व नहीं माना जाता है, और कहीं ना कहीं यहां पे इस प्रेम के अटूट संबंध को दर्शाता है। लेकिन अगर यही हृदय रेखा गुरु के माउंट के आखिरी पोर तक पहुंच जाए, ऐसे लोग अटूट प्रेम करते हैं, आप देखेंगे इनका जो प्रेम होगा निश्चल होगा, एक पवित्र हो कितना होगा। ऐसे लोग इतने प्रेम में भक्त होते हैं, इतने पागल होते हैं कि एक दूसरे को, दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपने अलावा किसी से, किसी के बारे में सुनना नहीं चाहते, इतने निश्चल प्रेमी होते हैं। और इसी के साथ प्रेम का मतलब है एक दूसरे का मिलन, और वो मिलन तब हमें और करीब खींच के लाता है। जैसे ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में डिफरेंट हो, ऐसे लोग अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अपने क्रोध के आवेग में आकर, प्रेम तो वैसे पक्का निश्चल प्रेम माना जाता है, लेकिन ऐसे लोग जिद्दबाजी कर लेते हैं अपने प्यार को पाने के लिए, हर सरहदे पार कर जाते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड होता है क्रोधित स्वभाव का हो जाता है,
जिद्दपन हो जाता है, उनके अंदर पाने की चाहत हो जाती है। और इसी के साथ अगर आप देखें ये सन की एक रेखा और सन की रेखा के साथ एक ऐसी रेखा हमारी हृदय रेखा से जुड़ जाए, ऐसे लोग अपने प्यार को पाने में सक्षम हो जाते हैं, प्यार को पा लेते हैं। लेकिन आप एक चीज और देखें, यहां पर ये जो हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है, ये चंद्रमा का क्षेत्र है, इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलेंगे, चंद्रमा का पर्वत। और ये हमारी भाग्य रेखा जिसको हम फेट लाइन बोलते हैं। दिल का कनेक्शन हमारे चंद्रमा से हमारे मन से होता है, जैसे कहते हैं ना मन का विश्वास का प्रतीक माना जाता है, किसी को हम किसी के मन की बातों को समझना तो हम अपने दिल को जरूर देखते हैं। अब एक रेखा जब भी कभी इस चंद्रमा के क्षेत्र से हमारी फेट लाइन में मिल जाए, हमारी भाग्य रेखा में मिल जाए, ऐसे लोग अपने जीवन में प्यार को अवश्य हासिल कर लेते हैं। और कह लो कैसे लोग प्रेम विवाह करते हैं, प्रेम विवाह की जब भी बात आएगी शुक्र के माउंट को जरूर देखेंगे। ये शुक्र का माउंट है, स्टार है, स्टार एक एनर्जी बूस्ट करता है, कलाओं को दिखा देता है, पाने का एक ऐसा माध्यम बनता है। कैसे लोग अपने प्यार को हासिल कर लेते हैं, कह लो कैसे लोग प्रेम में सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।